इतने कम प्रीमियम पे जब इतना अधिक इंश्योरेंस मिलता है, तो प्रत्येक काश्तकार को इस योजना का फायदा उठाना चाहिए। पहले पटवार मंडल या फसल में या एरिया में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती थी। जो सारी एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी बैठक करते रहते हैं। और अभी भी 7 दिन पहले 5500 किसानों का लगभग 14 करोड़ का क्लेम आया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, प्रेरणा मिल सके और पूरी औपचारिकताएँ वह पूरी कर सकें, इसके लिए रथ कलेक्टर हनुमानगढ़ से रवाना किए गए हैं। आइए चलिए आपको सुनाते हैं कि कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या कहा गया है, सुनिए। हनुमानगढ़ ज़िले में जो खरीफ 2022 की फसल बुआई हो चुकी है ज़्यादातर हिस्से में, जिसमें काश्तकारों ने मूंग, मोट, बाजरा, तिल, कपास, चावल और इस प्रकार की फसलों की बुआई की है। पिछले कई वर्षों से हनुमानगढ़ ज़िले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। ये योजना किसानों को फसल की बुआई से लेकर के और फसल के बेचान तक बहुत सारे सुरक्षा के लाभ देती है। और आपने भी देखा होगा कि रबी में लगभग 600 करोड़ के आसपास और खरीफ में भी 300 करोड़ से ऊपर का मुआवजा किसानों को इस बीमा योजना के माध्यम से हर साल मिलता है। तो ये योजना काश्तकारों के लिए संकट के समय में या इस प्रकार की जो विपदा आती है उनसे बचाने में बहुत ही कारगर साबित हुई है। आज हनुमानगढ़ ज़िले में 6 रथ रवाना किए गए हैं। हमारे ज़िले का जो इंश्योरेंस का कार्य है वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को दिया गया है और ये रथ आगामी 31 तारीख तक हमारे ज़िले की समस्त ग्राम पंचायतों को कवर करेंगे। इस वर्ष फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई रहेगी और किसान अगर कोई ऋणी कृषक हैं और अपना बीमा नहीं करवाना चाहते हैं वो ऑप्ट आउट का ऑप्शन 24 जुलाई तक दे पाएंगे। और किसी भी प्रकार का फसल परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में किया है तो उसका अपडेशन बैंक में वो 29 जुलाई तक कर पाएंगे। 29 जुलाई उसकी लास्ट डेट होगी, बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होगी। मैं आपके माध्यम से भी समस्त काश्तकारों से ये अपील करूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना बीमा करवाएँ। आपका किसान का जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम लगता है, अधिकतर प्रीमियम का हिस्सा कंपनी को राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा दे होता है। तो इतने कम प्रीमियम पे जब इतना अधिक इंश्योरेंस मिलता है तो प्रत्येक काश्तकार को इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर फसल परिवर्तन की है या एरिया में परिवर्तन किया है तो ये सूचना भी बैंक को बहुत जल्दी से जल्दी देनी चाहिए, ताकि जब क्लेम आए या नुकसान हो उस समय कोई विवाद की स्थिति नहीं बने। किसान जितने जागरूक होंगे, एरिया में परिवर्तन, फसल में परिवर्तन या बैंक में परिवर्तन या किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन अगर वो करते हैं तो इसकी सूचना बैंक को देनी चाहिए। अधिकतम ऋण ये जो इंश्योरेंस है वो करवाना चाहिए। जितने काश्तकार जागरूक होंगे उतना ही इस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। आज की इस रथ रवानगी कार्यक्रम में एग्रीकल्चर, AIC की पूरी टीम, लीड बैंक ऑफिसर्स और सारे लोग उपस्थित रहे, तो हम ये एक प्रशासन की टीम के रूप में कार्य करके प्रत्येक काश्तकार को उसका जो वाजिब हक है उसको दिलाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि किसानों को सूचना देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए प्रचार रथ कलेक्टेड हनुमानगढ़ से हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर के द्वारा रवाना किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर जब उनसे यह सवाल किया गया कि बीमा कंपनियों या अन्य स्तर पर गड़बड़ी होने की शंका रहती है उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, आइए आपको सुनाते हैं कि कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा इसका जवाब क्या दिया गया है, सुनिए। इस योजना में प्रथम जो गड़बड़ी है वो होती है काश्तकार के लेवल पर, और इस प्रकार के मामले आपने नौर, बादरा, रावतसर में देखे भी हैं। एक एक किसान ने 2 से अधिक प्रकार की अपनी बीमा अलग अलग बैंकों से या अलग अलग जगह से करवा लिया, एरिया बड़ा चढ़ा के बता दिया, या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें स्टाम्प दूसरे लगा करके यूज कर लिए, डॉक्यूमेंट्स में भी हेराफेरी करी। उस संबंध में SEB और उच्च स्तरीय जाँच भी चल रही है। दूसरी गड़बड़ी जब क्लेम बुक किया जाता है, क्लेम की सूचना दी जाती है, तब बीमा कंपनी या हमारे रेवेन्यू एजेंसी या एग्रीकल्चर के जो फील्ड स्टाफ है उनके द्वारा की जाती है,
वो काश्तकारों की बात को सिंसियरली नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई भी आपदा आ जाती है तो उसको विद इन 72 आवर्स अपने को सूचना देनी होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका टोल फ्री नंबर जब विपदा आती है उस समय कार्य नहीं करता, इस प्रकार की जनरल शिकायत आती है। लेकिन इसके विकल्प बहुत दिए हैं, आप ऑनलाइन मेल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और जो ब्लॉक लेवल पर इनके अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर का अधिकारी है, रेवेन्यू ऑफिसर से किसी को भी आप 72 घंटे के अंदर सूचना दे देते हो तो वो सूचना हमारे पास पहुंच जाती है। तीसरी गड़बड़ी डॉक्यूमेंट्स के जो संकलन होता है उसमें रह जाती है। कुछ किसानों का डेटा जानबूझ के छोड़ दिया जाता है या कार्य में लापरवाही की होती है, तो इस पर भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। और एक गड़बड़ी बैंक पे, चूँकि अंतिम तारीख 31 लास्ट होती है, किसान ऑप्ट आउट या फसल परिवर्तन की सूचना समय पर नहीं देते हैं, तो एक साथ उनको इंश्योरेंस की पॉलिसी बहुत ज़्यादा जनरेट करनी पड़ती है। लेकिन अब जब से ये भूमि का सभी प्रकार का डेटा ऑनलाइन हो गया है, तब से इस प्रकार की गड़बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। पहले पटवार मंडल या फसल में या एरिया में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती थी, अब बैंकर से भी चूँकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो ये गड़बड़ी नहीं हो रही है। अंतिम गड़बड़ी मुआवजे को रोकने की बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है, और वो गड़बड़ी नहीं करके ये प्रोसीजरल डिले होता है, जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें भी कई सारे प्रावधान होते हैं, उन प्रावधानों का उपयोग करके कंपनी जो है वो ये प्रयास करती है कि किस प्रकार हम जितने भी क्लेम आए हैं उनकी स्क्रूटनी अच्छे से हो, जो वाजिब काश्तकार हैं उनको उनका लाभ मिले और किसी भी प्रकार का डिले नहीं हो। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, लीड बैंक ऑफिसर और सभी बैंक मैनेजर्स और रेवेन्यू, जो सारी एजेंसियां इसके लिए ज़िम्मेदार है, उनकी बैठक करते रहते हैं। और अभी भी 7 दिन पहले 5500 किसानों का लगभग 14 करोड़ का क्लेम आया है, तो जो किसान भी समय समय पर मांग करते रहते हैं, और हमारा भी ये प्रयास है कि वाजिब किसानों को उनका हक मिले, उनको अधिकार मिले। वहीं फसल बीमा योजना का किसानों को बैंक के जरिए कैसे लाभ दिया जाता है, इसके बारे में बता रहे हैं बैंक अधिकारी, सुनिए। बैंक जो है अपने लेवल पे सभी किसानों को फसल बीमा के लिए प्रेरित करते हैं और उनको जागरूक भी करते हैं कि फसल बीमा क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हमारे ज़िले में हर साल 500 से 600 करोड़ रुपए फसल बीमा का जो क्लेम आ रहा है वो उसी की बदौलत है। बैंक जो है 31 जुलाई तक दिन रात करके जो भी ऋणी किसान होते हैं उनको इस फसल बीमा योजना के अंदर कवर करते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारी से जब किसानों के बीमा को भुगतान के संबंध में जानकारी ली गई तो उनका क्या कहना है, वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। इसमें 24 जुलाई तक किसानों का अपने आउट इस योजना से बाहर और अंदर होने के लिए है, होने के लिए है, और 29 जुलाई तक वो अपनी फसल को चेंज कर सकते हैं। 31 तारीख लास्ट है किसानों को अपना बीमा करवाने के लिए। इसमें सारे ही जो नेचुरल डिजास्टर है वो कवर होते हैं, जैसे कि अधिक बारिश होना, ओलावृष्टि होनी, और इसके बाद जो पोस्ट हार्वेस्टिंग के भी इसमें कवर किए जाते हैं, जिसे फसल कटाई उपरांत अपनी किसान फसल सुखाता है उसमें भी इसके कवर किए जाते हैं। इसमें बीमारियां भी कवर की जाती है, जिससे कि किसानों को जो भी हानि होती है प्रकृति से और मौसम से, तो उसका मुआवजा किसानों को फिर मिलता है। जी, प्रचार रथ रवाना करने के बाद जब उपनिदेशक कृषि हनुमानगढ़ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे किसानों को क्या क्या प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी, उसकी जानकारी मांगी गई तो उनका इस संबंध में क्या कहना है, वह भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। ज़िले में 7 पंचायत समितियां अपने पास में, या कह दें 7 तहसीलें हैं, और उसके हिसाब से यहाँ 6 रथ जो आज रवाना किए जाएंगे। एक रथ के लिए इनकोर बोला है, अभी वो भी भिजवा दें। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि फसल बीमा योजना जो है इसके अंतर्गत नोर, बादा, रावसर, हमारा जो रैनफेड बरानी एरिया है वहाँ किसान काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं और वहाँ काफ़ी क्लेम आता भी है, इसलिए नोर में, बादरा में, रावसर में एक एक रथ देंगे, और हनुमानगढ़, पीलीबंगा, टिब्बी और संगरिया यहाँ जो है, यहाँ 3 रथ यहाँ रवाना करेंगे।
हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो सारे रथ हैं ये हर ग्राम पंचायत में जा कर के प्रचार प्रसार करें, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को जागरूक करना है। किसानों के पास जब तारीख निकल जाती है उसके बाद में उनके दिमाग में कई तरह की शंकाएँ रहती है, ताकि और कई तरह की गलतियां किसान से हो जाती हैं। तो इनके प्रचार प्रसार के माध्यम से किसानों को ये पता रहेगा कि अभी 24 जुलाई जो है उस तारीख तक आपको बीमा करवाना है या नहीं करवाना है, ये आपके पास ऑप्शन है 24 जुलाई तक। उसके बाद में 29 जुलाई तक किसान जो है अपनी फसल में परिवर्तन कर सकता है, 31 जुलाई उसके लिए अंतिम तारीख है, उसके बाद में फिर बीमा नहीं होगा। फिर 15 अगस्त तक किसान जो प्रीमियम किसानों का काटा है उसको जमा करवाते हैं आगे। तो ये इस तरह से मुख्य रूप से ये इसमें प्रक्रिया रहेगी जो किसानों को समझाएंगे। हालांकि कलेक्टर हनुमानगढ़ और कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा यही कहा गया है कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गड़बड़ियों को रोका जाएगा। जो भी हो, पिछला जो इतिहास रहा है पहले गड़बड़ियां होती रही हैं और इसमें घोटाले भी सामने आए हैं। कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा जांच करवाकर दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। अब देखना यही है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन, कृषि विभाग व अन्य विभागों के द्वारा किस तरह के अच्छे प्रयास किए जाते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।